दोस्तों सोचिए अगर कोई ऐसी भी जगह हो जहां पर कोई भी इंसान कपड़े ही नहीं पहने तो कैसा होगा। दुनिया में एक ऐसा भी शहर है जहां कोई भी कपड़े नहीं पहनते हैं। यहां पर लोग शॉपिंग से लेकर रेस्टोरेंट तक बिना कपड़ों के जाते हैं। इतना ही नहीं दूसरे देशों से भी लोग यहां गर्मियों की छुट्टी बिताने आते हैं और अपने वैकेशन को एंजॉय करते हैं। अगर आप इस शहर के बारे में नहीं जानते हैं तो चिंता मत करें, क्योंकि आपने फैक्ट वाला 2.0 को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो आप जानते हैं इस शहर के बारे में। फ्रांस में एक कैप्टिन का एक शहर है जो अपने अजीबोगरीब लाइफस्टाइल और शौकिया लोगों के लिए काफी मशहूर है। इसे न्यूज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ये एकमात्र ऐसा शहर है जहां लोग बिना कपड़ों के घूमते रहते हैं और काफी सारे लोग यहां न्यूड टूरिज्म के लिए आते हैं। यहां आने वाले टूरिस्टों को भी किसी भी तरह की कोई पाबंदियों का सामना नहीं करना पड़ता है। टूरिस्ट भी यहां बिना कपड़ों के घूम सकते हैं। हर साल गर्मियों में यह जगह सैलानियों से भरी रहती है। एक अनुमान के मुताबिक गर्मियों के दिनों में लगभग 50,000 सैलानी बीच लाइफ का लुत्फ उठाने आते हैं। यह जगह दुनिया का सबसे पॉपुलर हनीमून डेस्टिनेशन भी है। यह शहर अपने खूबसूरत बीचेस के लिए भी काफी फेमस है। दोस्तों सुनने में ये शहर जितना अजीबोगरीब है, यहाँ का कानून उतना ही सख्त है। भले ही फ्रांस के इस शहर में आपको बिना कपड़ों के घूमने की आजादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पब्लिक प्लेसेस पर कोई ऐसी वैसी हरकत कर सकते हैं या अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो सकते हैं। ऐसा करने पर आप पर भारी भरकम 12,800 पाउंड का फाइन लग सकता है। इसी के साथ आपको इस शहर में रहने के लिए फीस भी चुकानी पड़ती है। इतना ही नहीं, आपको यहाँ किसी भी तरह की फोटोग्राफी करने की भी सख्त मनाही है। अगर ऐसा करते पकड़े गए तो आपको जेल भी हो सकती है और आपको एक भारी भरकम फाइन भी लग सकता है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा इस शहर के बारे में जानकर? अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।